और सहरंगेज शख्सियत की मालिक ज़ारा शेख ने अपने फनी कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया, जिन्होंने अदाकारी ज़ारा शेख को सिनेमा स्क्रीन तक ले आया। तुम खुश हो ना अपने घर पे? बहुत खुश हूँ। मंसूर बहुत प्यार करने वाले शौहर है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। पहली ही फिल्म तेरे प्यार में ज़ारा शेख के फिल्मी करियर में संगे मील साबित हुई। सलाखें, लाज और कमांडो जैसी लाजवाल फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के साथ साथ ज़ारा शेख ने ओसनम, पंजाबी टच और खमार जैसी बेहतरीन म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। कम से कम नाश्ते के वक्त तो नौकरी को भूल जाया करें, आपने तो इसे मेरी सौतन बना दी। ने सब मैं सब कर दिया है, मर्डर कर दिया शामरा तो उसने। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तुम संभालो अपने आप को, एमरजेंसी है, मुझे जाने दो। नहीं आप वहां नहीं जाएंगे। सवेरा प्लीज। नहीं प्लीज। ज़ारा जैसी हसीन अदाकाराएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो सरमाया हैं, जिनकी बदौलत हमारी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह एक बार फिर रिवाइवल मिलेगा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने माजी की तरह हमसाये मुल्क की फिल्मों का मुकाबला करेगी। फिजान, ये मेरा शोर है। मंसूर बहुत प्यार करने वाले शोहर है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। आइए मिलते हैं फिल्म स्टार ज़ारा शेख से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। और अभी आप पैकेज देख रहे थे ज़ारा शेख का। आइए मिलते हैं ज़ारा शेख से। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। ज़ारा, बहुत सी बातें करनी है आपके बारे में, आपसे पूछना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि कहाँ गायब हो आप, नज़र नहीं आ रही। कुछ अर्सा हो गया है टीवी पे, फिल्मों में, खैर फिल्में तो बन नहीं रही हैं सच, लेकिन कहाँ, क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू अप टू? ज़्यादातर टाइम तो फैमिली के साथ ही गुजरता है। ओके। इसके अलावा मॉडलिंग, फैशन शूट्स, वो आप कर रही हो रेगुलरली? ओके। लेकिन कमर्शियल्स नहीं आए काफी देर से, वो कमर्शियल्स में नजर ही नहीं आई, ज़ारा गायब हो गई। लास्ट मैंने भी किया था एक जैज। हाँ नहीं बिल्कुल, वो मैंने देखा था, आई थिंक इट वाज अ रिवाइवल। यस, मैं आई सॉ दैट। टीवी प्लेस वगैरह कुछ करी? नहीं नहीं। एंड यू डोंट वांट टू आल्सो? वेल आई वांट टू, लेकिन कोई अच्छी ऑप्शन आए तो फिर। अच्छा, ये तुम बहुत सोच के काम करते हो। मुझे याद है कि ज़ारा इज़ वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट अ वर्क। मैं अक्सर कभी ऐसे डिस्कशन होती थी तो ये कई प्रोजेक्ट्स वैसे ही छोड़ देती है, कहती है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि मेरे ख्याल में अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, बट इसका एक क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, अच्छा क्या होता है? देखिए, जो काम आपको सूट करे, कोशिश करें आप वही काम करें। ठीक। तो मुझे जब भी कुछ नज़र आता है मैं तब करती हूँ। okay. वो काम। okay. अपनी बहुत सी चीज़ों को सामने रख के मैं करती हूँ। okay, अपने आपको ज़रूरी नहीं कि आप एट रेंडम हर काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को देख रहे हैं आप कि वो क्या कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप खुद जो कर रहे हैं आप वो देखिए। सही। अच्छा, गाने भी आपने माशाल्लाह, मौसीकी का भी आपको शौक। बारा, ज़ारा एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगर, ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता होगा। मॉडलिंग ये इन्होंने बाद में शुरू की थी, ये सबसे पहले सिंगर थी, बाद में खैर फिर मॉडल बनी, फिर फिल्म एक्ट्रेस बनी, फिर इन्होंने दोबारा गाने भी गाए, दो तीन बड़े ज़बरदस्त गाने और बड़े अपबीट गाने थे, कुछ सुनेंगे उसमें से भी। लेकिन सिंगर, मॉडल, फिल्म एक्ट्रेस, फिर आपने वीडियोज़ में काम किया, फिर हम ये सुन रहे थे कि आपने इंडिया में भी जाके कोई प्रोजेक्ट साइन किया या कुछ कर रही हैं, उसकी कुछ हमने क्लिपिंग्स वगैरह भी देखी थी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी वर्सेटिलिटी, मुझे आप बड़ी फोकस्ड किस्म की यू नो आर्टिस्ट लगती हैं, जो एक काम जो है उसे बड़ी तवज्जो से करती हैं। तो इतने सारे काम, गाने भी आपने गाए, दो तीन गाने उसके बाद आपने कुछ मार्केट में नहीं आया, आपने आई डोंट थिंक आपने परस्यू किया उसे। मॉडलिंग आप रेगुलरली ऑफ एंड ऑन करती रहती हैं, फिल्म्स भी आपने साल में एक फिल्म ही मेरे ख्याल में की, क्योंकि आपकी 9 या 10 फिल्में ही
आईं, लेकिन सारी बहुत अच्छी थी. तो एक साथ कैसे मैनेज करती हैं इन सबको, और वो इंडिया वाले प्रोजेक्ट का क्या बना? इंडिया वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट है और इन प्रोसेस है, उसका काम अभी चल रहा है. और मुझे नहीं पता फिल्म कैसी बनी है, उसका क्या रिस्पॉन्स. शूट हो गई है? नहीं, कंप्लीट हो गई. कंप्लीट हो गई जी. ओके ओके. मुझे नहीं पता उसका क्या रिस्पॉन्स है, बस कोशिश की है एक मैंने. और देखिए ऑडियंस को कैसी कुछ बताए ना, क्या कोशिश है, मतलब क्या करेक्टर. खुल के बोलो ना, मुझे तुम्हारी आवाज इतनी हल्की आ रही है. और शर्मा शर्मा के नहीं, एक्चुअली वो हमारे शो में बहुत एक हैवी पर्सनालिटी भी आई है ना आपके, तो उनके बात तो वरना आप अभी कॉल करके पूछ लेंगी ज़ारा ऐसा क्यों बोल रही है, प्लीज बताइए कोई जायचा निकालिए. नहीं नहीं, कोई जायचा नहीं बनाता, बताइए खुल के बोले. बस कुछ नहीं, फिल्म कम्प्लीट है और इंशाल्लाह ताला सामने आएगी, लोग देख लेंगे. अच्छा, एक फिल्म इन्होंने शुरू की मलिया, और ये हैं उसमें, और आई थिंक मीरा हैं. और वो फिल्म पिछले कुछ 2-3 साल से बन रही है, बट बड़ा हैवी सब्जेक्ट है. देवदास अच्छा, नाम है उसका. अच्छा अच्छा. और उसमें जो हीरो हैं वही उसके फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, नदीम शाह उनका नाम. अच्छा अच्छा. इस वक्त लाइन पे हैं और ये बड़े पुराने टीवी आर्टिस्ट भी हैं, मेरे जमाने के हैं, मेरे ख्याल में वही वाले हैं. तो उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नदीम जी. अस्सलाम वालेकुम नदीम, आप तक मेरी आवाज़ पहुंची है? जी जी, वालेकुम सलाम. आपकी आवाज. नदीम साहब क्या हाल है? फारूक हसन बोल रहा हूँ मैं. जी जी, मैं खैरियत से. फारूक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. नदीम, आपने फिल्म ये एक शुरू की देवदास. जी. आप इसके प्रोड्यूसर भी हैं जिसमें ज़ारा शेख काम कर रही हैं. आई बिलीव ये फिल्म 2006 में या 6 में शुरू की थी आपने. आपकी नॉलेज जो है फिल्मों के बारे में आज भी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी. क्योंकि आपने मेरे साथ ड्रामा किया हुआ है, मुझे याद है. मैं मुझे आप ही एक कब शुरू की थी नदीम आपने? ये हाँ, आपने बिल्कुल सही ही बताया फारूक. ये इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए जी बनते हुए. और चूंकि सब्जेक्ट इतना हैवी था और इतना रिक्वायर्ड थी इसके अंदर, इतनी ज्यादा रिसर्च पेपर सही, उसमें इतना ज्यादा टाइम जो लगना है वो मैं समझता हूँ इतना टाइम लगा, ये भी कम लगा. ओके. क्योंकि इसके बाद जो अब रिजल्ट आया इसका जी वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत. और आपके साथ मेरी जो हीरोइन बैठी हुई है मिस ज़ारा शेख जी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ज़ारा का क्या कैरेक्टर है इस फिल्म में, देवदास में कौन सा कैरेक्टर कर रही है और कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस एज अ प्रोड्यूसर, आर यू सैटिस्फाइड? फारूक, आप मुझे जानते हैं एक पुराने एक दौर से. जी जी. और आप और मैं अभी तक जवान हैं और लगता है इंशाल्लाह हमेशा जवान रहेंगे जब तक कि अपने मकसद हासिल ना कर लें. जी हाँ. ज़ारा शेख भी उन बेहतरीन रूहों में से है जो सदा बहार और सदा जवान रहने वाली हैं. जी हाँ. और इनके चेहरे पे जो एक खास किस्म की मासूमियत और इनका जो एक एज ग्रुप रिक्वायर्ड था मुझे इस कैरेक्टर के लिए. जी जी. वो मैं बड़ा ही खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि सारे जैसी खूबसूरत फनकारा हमारे मुल्क में मौजूद थी, वरना मैं इस कैरेक्टर के लिए आप को यकीन नहीं आएगा भारत तक भी गया था. अच्छा, तो ये कैरेक्टर कौन सा वाला प्ले कर रही है देवदास में? ये इसमें ये कर रही है पारो का, पार्वती का कैरेक्टर. पारो पारो का कैरेक्टर कर रही है. और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी खूबसूरत और जितनी सूट इस कैरेक्टर में ये फिल्म देवदास के अंदर की है जी, इतना ज्यादा सूट ना दिलीप कुमार साहब की रोल की थी और ना ही ये जो अभी रिसेंटली फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली साहब वाली जी जी, वो उनकी हीरोइन भी इतनी सूट नहीं की थी. अलबत्त वो बड़ी खूबसूरत है मिस ऐश्वर्या राय, लेकिन जो सूट की है ज़ारा शेख जी. फारूक, आपको एक आर्टिस्ट आप समझते हैं जी. असल चीज होती है किरदार में सूट करना. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. फिल्म रिलीज तो एक साल पहले हो चुकी होती क्योंकि एक साल से ज्यादा अरसा हो गया इस फिल्म को तैयार हुए. ओके. ये फिल्म बिल्कुल तैयार रखी हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो इंडियन फिल्में जिस तसलसल और जिस तवातुर से आ रही है जी, बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी इजाजतनामे के, वो जब तक बंद नहीं होंगी. अब देखें, मुझे कोई भी अपनी फिल्म की रिलीज के लिए अपने ही मुल्क में पिछले एक साल से अवेलेबल नहीं हो रहा. एक साल हो गया मुझे. सही. और आई एम श्योर यही 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 तकलीफ जो है ये अभी आगे जो फिल्म एक दो और मेरी साथी फिल्म साउथ ने बना के रखी हुई है उनको भी चलने वाली है.
सही सही नदीम, दैट दैट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू। आई थिंक इस पे बहुत से प्रोग्राम्स भी हुए हैं, बहुत से डिस्कशंस भी हुई हैं। इंडियन फिल्म्स की आपने बात की, लेकिन ये जो आपकी फिल्म का टाइटल है, वैसे ये भी एक इंडियन फिल्म बन चुकी हुई है आई थिंक। और नहीं नहीं, मैं ये दो दफा बन चुकी है, इंडियन फिल्म पे टाइटल नहीं, ये बंगाली नॉवल है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये दो इंडियन फिल्म्स का टाइटल भी है, बेस करके बनाएगी ये फिल्म। अच्छा ओके, बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने का। और नदीम खुद इस फिल्म में हीरो भी हैं मेरे ख्याल में, कैसी इन्होंने कैसी अदाकारी की, बहुत अच्छी अच्छी की। ये बड़े पुराने आर्टिस्ट हैं। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छा काम करेंगे, अच्छा, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम व्यूज इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ारा शेख यहीं पे मौजूद है, सो डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 जागो